दोस्तों DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये वो तत्व है जो पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीव के अंदर पाया जाता है और इसी में हमारे जीवन के सारे राज छिपे हुए हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार पृथ्वी पर करीब 87 लाख स्पीसीज के प्लांट्स और एनिमल्स मौजूद है। अब इनमें से फिलहाल तक हम सिर्फ 12 लाख स्पीसीज को ही खोज सके हैं। अब बाकी की बची हुई स्पीसीज कैसी दिखती होंगी ये तो हम नहीं जानते, लेकिन एक बात जरूर क्लियर है कि उनके अंदर भी वही डीएनए होगा जो आपके और मेरे अंदर है। पृथ्वी पर रहने वाली सभी स्पीसीज एक दूसरे से डीएनए सिमिलैरिटीज रखती है। अब एग्जांपल के लिए आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसान और केले का डीएनए आपस में 60% मैच करता है, और जो चूहे और फ्रूट फ्लाइज हमारे घरों में घूमती रहती है ना, वो इंसानों से 85% तक सिमिलर है। अब देखो, हम इंसानों का धर्म, जाति, रंग और देश अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी के डीएनए में 99.6% की सिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती है। मतलब एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखकर मेरा ये वीडियो देखने वाले सिंगल और बर्बाद आप भी दुनिया के सबसे सुंदर अप्सराओं और सबसे सक्सेसफुल लोगों से बस थोड़े से ही अलग हो। अब बात करें डीएनए के मामले में हम इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदारों की, तो ये है चिंपांजीज और बोनोबोस। इन दोनों जीवों का डीएनए हम इंसानों से 98.7% तक सिमिलैरिटी रखता है। अब दोस्तों, इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी पर सभी जीवों का ओरिजिन इंटरकनेक्टेड है, लेकिन आखिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति ही कैसे हुई? हमारे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन आज से 460 करोड़ साल पहले हुई थी और पृथ्वी की एज करीब 454 करोड़ साल मानी जाती है। अब इससे पहले यहाँ सोलर नेबुला हुआ करता था जो डस्ट और गैस का बना हुआ था, और इसी सोलर नेबुला से सोलर सिस्टम बना था। अब इस सोलर नेबुला में मौजूद ये डस्ट और गैस एटम्स के बने हुए थे जिनका फॉर्मेशन एनर्जी से हुआ था, और ये एनर्जी आखिर कहाँ से आई थी? वेल, ये एनर्जी आई थी बिग बैंग से। लेकिन बिग बैंग क्यों हुआ था और इससे पहले यूनिवर्स में क्या था, इसके बारे में कई सारी थियोरीज एग्जिस्ट करती है। और ठीक इसी तरह दोस्तों, आज हमें ये तो पता है कि पृथ्वी पर मौजूद हर स्पीसीज का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और हमारी कॉम्पोजिशन क्या है, लेकिन जब बात आती है हमारे अल्टीमेट ओरिजिन की, तो इसके बारे में एक सिंगल थियोरी भी एग्जिस्ट नहीं करती है। लाइफ के एवोल्यूशन को समझने के लिए डार्विन की थियोरी ऑफ एवोल्यूशन को वाइडली एक्सेप्टेंस मिला है, लेकिन लाइफ के अल्टीमेट ओरिजिन के लिए बहुत सारी थियोरीज दी जाती है, और ऐसी ही एक थियोरी है प्रिमोर्डियल सूप। अब इस थियोरी के रूट्स जाती है प्राचीन ग्रीक में, जहां के महान फिलोसोफर एरिस्टोटल की बुक हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स में हमें स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। अब दोस्तों, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नॉन लिविंग ओरिजिन के बारे में बताया गया था। मतलब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नॉन लिविंग चीजों से हुई थी। अब साल 1924 में सोवियत साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ओपारिन ने बताया था कि प्राचीन समय में पृथ्वी की सरफेस और एटमॉस्फेयर पर कार्बन, हाइड्रोजन, मीथेन, वाटर वेपर और अमोनिया मौजूद था। हालांकि इस समय हमारे ग्रह पर ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर हुआ करती थी। अब इन्हीं एलिमेंट्स की रिएक्शन से पृथ्वी पर पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लेकिन दोस्तों, अब सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी फोर्सेस थी जिसने इस रिएक्शन की शुरुआत करी थी। इसका जवाब छिपा है इलेक्ट्रिक स्पार्क थियोरी में, जिसके अनुसार पृथ्वी पर पहले बायोमोलिक्यूल्स लाइटनिंग यानी कि बिजली गिरने के कारण बने थे। अब ये बिजली एक दिन में गिरी थी या फिर लाखों सालों तक, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन प्राइमोर्डियल सूप की मिस्ट्री इसी से होकर गुजरती है। अब इस पूरे सिनेरियो को आप साल 1952 में किए गए मिलर उरे एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हो। देखो, मिलर और उरे नाम के ये दो रिसर्चर्स एक राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं जो उस समय की पृथ्वी पर हुआ करता था, यानी कि हाइड्रोजन, वाटर वेपर, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसेस के प्रेजेंस। इसके बाद वो इस पूरे सिस्टम को करीब 100 डिग्री सेल्सियस पर लाते हैं और एक इलेक्ट्रिक स्पार्क रिलीज करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक स्पार्क लाइटनिंग को ओरिजिनेट करती है, और इस दौरान ये ऑब्जर्व किया जाता है कि मीथेन में मौजूद कार्बन के करीब 15% पार्टिकल्स हाइड्रोजन की प्रेजेंस में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो प्रोटीन्स के बेसिक फॉर्म्स होते हैं। अब एक बार जब पृथ्वी पर प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो समय के साथ साथ लाखों करोड़ों साल के एवोल्यूशन में इससे ही कॉम्प्लेक्स कॉम्पाउंड्स बने होंगे, जिसने अल्टीमेटली लाइफ को ओरिजिनेट किया। हालांकि दोस्तों, कुछ रिसेंट रिसर्चेस ये दावा करती है कि अर्ली अर्थ एटमोस्फेयर में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन की भी भारी कमी हुआ करती थी, लेकिन हो सकता है कि यह हाइड्रोजन उस समय हुए किसी विशालकाय वोल्केनिक इरप्शन से हासिल हो गई हो और फिर उसी ने पृथ्वी पर लाइफ के ओरिजिन की नींव रखी हो।
अब ये सब सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि यार हम कितने ही ज्यादा लकी है कि पृथ्वी पर इतने सारे कोइंसिडेंसेस बिल्कुल सही समय पर हुए थे, जिसने अल्टीमेटली इसे यूनिवर्स का एकमात्र हैबिटेबल प्लेस बनाया। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लाइफ का ओरिजिन यहाँ पृथ्वी पर हुआ ही नहीं था। जी हाँ दोस्तों, एक थियोरी ऐसी भी है जो कहती है कि यूनिवर्स में लाइफ कई जगहों पर मौजूद है और पृथ्वी पर लाइफ के बीज भी यूनिवर्स के किसी कोने से ही आया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैनस्पर्मिया थियोरी की। ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सीड्स एवरीवेयर, यानी कि लाइफ के सीड्स यूनिवर्स में हर तरफ फैले हुए हैं। 5th century BC के ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सागोरस ने अपनी राइटिंग्स में लिखा था कि यूनिवर्स में लाइफ कई जगहों पर मौजूद है और स्पेस डस्ट इसे नई जगहों पर फैलाती रहती है। अब मॉडर्न टाइम्स में पैनस्पर्मिया का पहला जिक्र साल 1865 में हरमन ई रिचर ने किया था, जिन्होंने इसे कॉस्मोजोइक थियोरी का नाम दिया था। अब दोस्तों, जब से हमारी पृथ्वी बनी है ना, तब से लेकर आज तक हजारों लाखों एस्ट्रॉइड्स इससे टकरा चुके हैं। अब इन्हीं में से हो सकता है कि कोई एक एस्ट्रॉइड अपने साथ लाइफ को भी यहाँ पर लाया होगा। यूनिवर्स के किसी कोने में एक पत्थर प्लैनेट से टूटकर अलग हुआ होगा, जो पृथ्वी से आकर टकराया होगा और अपने साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर आया होगा। कुछ भी मतलब दोस्तों, किसी प्लैनेट से एक पत्थर टूटा और वो पृथ्वी पर आ गया और अपने साथ लाइफ की पॉसिबिलिटीज भी ले आया। नाउ वेल, यहाँ पे मैं हवा में बातें भी नहीं फेंक रहा हूँ, बल्कि अगर आप एग्जांपल के लिए देखें तो पृथ्वी पर हमें मार्स के भी कई रॉक्स मिल चुके हैं और ये पत्थर तब मार्स से टूटकर अलग हुए होंगे जब इससे कोई एस्ट्रॉइड टकराया होगा और फिर स्पेस ट्रैवल करते हुए ये पृथ्वी पर आ गए। अब जरा इस थियोरी को अपने ही एग्जांपल से समझते हैं। आज से 6.6 करोड़ साल पहले जब चिक्सुलूप एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया था, तो पृथ्वी के अपर सरफेस से कई रॉक्स टूटकर आउटर स्पेस में चले गए थे। अब लाखों करोड़ों साल के इंटरवल में वो भी काफी दूर चले गए होंगे। अब जब वो किसी प्लैनेट पर लैंड करेंगे तो शायद वहां की कंडीशंस इन्हें सूट कर जाए और फ्यूचर में वहां भी लाइफ एग्जिस्ट करने लगे। अब दोस्तों, पैनस्पर्मिया थ्योरी के भी कई डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि पृथ्वी पर लाइफ लाने वाला एस्ट्रॉइड आखिर आया कहां से था और क्या वो सच में एस्ट्रॉइड ही था। हो सकता है कि वो एस्ट्रॉइड सोलर सिस्टम का ही हो और उस समय हमारे सोलर सिस्टम में भी कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एस्ट्रॉइड दूसरे किसी सोलर सिस्टम से आ गया हो। अब हो तो ये भी सकता है कि ये एस्ट्रॉइड नहीं बल्कि कोई लॉन्ग ऑर्बिट कॉमेट हो जो ऊट क्लाउड से इनर सोलर सिस्टम की ओर आया हो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या पता कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं बल्कि एक लिविंग थिंग जैसे कि एडवांस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस खुद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का कारण रहे हो। हालांकि देखो, हमारे पास पैनस्पर्मिया थ्योरी को प्रूफ करने के लिए पर्याप्त एविडेंसेस मौजूद नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने जुपिटर और सैटर्न के कई मून्स की स्टडी की है जहां वाटर या मीथेन के ओशियंस मिले हैं। कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि पृथ्वी की लाइफ भी बर्फ की चादर के नीचे ही ओरिजिनेट हुई थी। दरअसल दोस्तों, आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ओशियंस के ऊपर 100 फीट बर्फ की चादर हुआ करती थी और उस समय धरती पर आने वाली सनलाइट आज के कंपैरिजन में 3 गुना कम थी। अब सीजन्स के बदलने के साथ साथ बर्फ के जमने और पिघलने का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसने इसके नीचे ऐसी केमिकल रिएक्शंस को स्पार्क किया जिन्होंने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया होगा। अब लाखों करोड़ों सालों तक ये सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बर्फ के नीचे जमा होते रहे और इन्होंने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। अब क्योंकि पृथ्वी की ओजोन लेयर तो कुछ 60 करोड़ साल पहले ही बनी थी, तो अर्ली लाइफ को कॉस्मिक रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने का काम 100 फीट मोटी बर्फ की इस चादर ने ही किया। मतलब ये काफी कॉम्प्लेक्स सी थियरी है, लेकिन क्या पता हमारी बिगिनिंग इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रही हो। वेल, इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म फर्स्ट हाइपोथेसिस, जहां डीएनए और आरएनए जैसे टफ कॉन्सेप्ट्स की जगह ही नहीं है। देखो, उस समय जो एलिमेंट्स पृथ्वी पर मौजूद थे उन्होंने एक दूसरे से रिएक्शन करना जारी रखा और इसी साइकिल के दौरान बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है और फिर ये एक ऑर्डर्ड वे में लाइफ के छोटे छोटे ट्रेट्स जैसे कि सेल्स को बनाते हैं। अब करोड़ों साल बाद जाकर लाइफ कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ती है और अल्टीमेटली पृथ्वी पर कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स जन्म लेते हैं। हालांकि दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि लाइफ का ओरिजिन इतना सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा होगा जितना इस थियरी में बताया गया है।
लेकिन यूनिवर्स के क्रिएशन से लेकर लाइफ के ओरिजिन तक एक ऐसी कॉम्प्लेक्स थियरी भी एग्जिस्ट करती है जिसका एक्सप्लेनेशन साइंटिफिक नॉलेज से बाहर की बात करती है, लेकिन फिर भी दुनिया के ज्यादातर लोग इस पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गॉड क्रिएशन थियरी की, जिसे क्रिएशनिज्म नाम दिया गया है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं और आप सभी मानते हैं कि दुनिया को भगवान ने ही बनाया है, लेकिन इसे कौन से भगवान ने और कैसे बनाया है, साथ ही ये दुनिया कितनी पुरानी है, इसको लेकर आपके और मेरे विचार अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि हिंदू धर्म की माने तो हमारा यूनिवर्स को ब्रह्मा ने क्रिएट किया है और मल्टीवर्स में अनगिनत यूनिवर्सेस होते हैं और हर यूनिवर्स को एक ब्रह्मा क्रिएट करता है। इसी तरह इस्लाम में बताया गया है कि अल्लाह ने ये दुनिया 6 दिन में बनाया था और बाइबल की बुक ऑफ जेनेसिस में हमें एडम और ईव वाली कहानी मिल जाती है। हालांकि दोस्तों, साइंस इन थियोरीज को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब वैज्ञानिकों के अनुसार बिग बैंग के बाद ही यूनिवर्स में लॉ ऑफ फिजिक्स ओरिजिनेट हुए और उसकी सारी फंक्शनिंग भी तभी से शुरू होती है। तो आखिर में सवाल आता है कि सच कौन है, साइंस या फिर रिलीजन? अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर जाकर देखना। बाकी आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन ऐसा करने पर हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।